इसे बोलते हैं कश्मीरी ब्रेकफास्ट. We heading towards Gulmarg. Now you can see the beautiful, beautiful snowfall. इस वक्त स्नोफॉल का रिकॉर्ड टूट चुका है. यहाँ पर इतनी जबरदस्त स्नोफॉल हुई है कि रोड पूरे ब्लॉक हो चुके हैं. And you must be thinking where again I am going and the new journey, new destination, which is known as Mini Switzerland. I am sure most of the people know. फाइनली हम उस जगह पहुंच गए हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं और पीपल नोन एज यू नो हेवन ऑन अर्थ और जैसे मैंने बताया था मिनी स्विट्जरलैंड. यस, और आप लोगों को पीछे पता लग ही गया होगा कि फाइनली वो डेस्टिनेशन कौन सी है. जी हाँ, पहुंच गए हैं श्रीनगर. ये अभी रात का वक्त है, मौसम बहुत प्लेजेंट है, ठंडा है और अब आपको कराने वाला हूँ मैं उस खूबसूरत सी प्यारी सी वादियों की सैर. तो आइए देखते हैं. इसे बोलते हैं कश्मीरी ब्रेकफास्ट. एज आई टोल्ड यू के कश्मीर में मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है और सुबह यहाँ पर ये कश्मीरी रोटी चाय के साथ खाई जाती है और बाकी तो ऑमलेट तो यू हैव सीन और ये सारी चीज़ें. नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स गुलमर्ग. एज वी हर्ड अबाउट दैट देयर इज अ स्नोफॉल गोइंग ऑन, सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. और बहुत ज़्यादा ठंड है और इससे भी ज़्यादा ठंड मिलने वाली है हमें ऊपर गुलमर्ग में जाकर. तो देखते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारों का मैं दृश्य आप लोगों को दिखाने वाला हूँ. तो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट. वैसे श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का है और जिसमें 15 किलोमीटर आपको बिल्कुल सीधा रास्ता है और 20 किलोमीटर आपको जो हिली एरिया है, चढ़ता है ऊपर एरिया, वो शुरू हो जाता है. और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है ऑलमोस्ट फॉर 20 किलोमीटर्स जो गुलमर्ग के लिए हम जा रहे हैं आगे. और वैसे श्रीनगर से गुलमर्ग की ज़्यादा कुछ दूरी है नहीं, पर क्योंकि जब बीच में 20 किलोमीटर की चढ़ाई आ जाती है तो वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है. तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ये जर्नी रहता है और आगे फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप 1.5 घंटे की ये जर्नी करते हो उसके बाद आपको वो खूबसूरत जब नज़ारे देखने को मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है. तो आगे के जो रास्ते हैं उनका व्यू आपको मैं दिखाने वाला हूँ. Oh, yeah.
guys, now you can see the beautiful, beautiful snowfall. Wow, matlab there is no word to express this feeling actually, and this is one of the beautiful feeling I ever had. Oh my God. गुलमर्ग में पहुंच गए हैं, जैसे कि आप लोगों को देख रहे हो कि जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है पीछे, अगर आपको मैं दिखा सकता हूं और आप लोग देख सकते हो खूबसूरत मंजर, और जिसे कहते हैं कि हेवन ऑन अर्थ। अगर वाकई में अगर कश्मीर को बोला गया है तो ये कहीं भी इस बात में झूठ नहीं है। अगर जन्नत कहीं पर दुनिया में अगर है और उसका कहीं नजारा आपको देखना है तो वो कश्मीर में देखने को मिल सकता है। घर यहाँ पर कैसे है, स्नोफॉल नॉन स्टॉप यहाँ पर सुबह से हो रही है और हम लोगों की हालत बहुत खराब है ठंड के मारे भी, और बहुत सारे यहाँ पर स्की है, बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम है, आइस गेम्स है, वो मैं आप लोगों को अभी एडवेंचर अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि बहुत ठंड है, मेरे बस की नहीं है, बट डेफिनेटली और भी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें मैं आपको यहां से दिखाने वाला हूं। आइए, guys see this limit of everything, and इस वक्त स्नोफॉल का रिकॉर्ड टूट चुका है। मार्च के महीने में गुलमर्ग में कभी इतनी बर्फ नहीं पड़ती है और इतनी हैवी स्नोफॉल कभी नहीं हुआ यहाँ पर, ऑलमोस्ट मतलब फ्रॉम लास्ट 25 years, पर ये एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला है, और बहुत ही ज़्यादा आप भी लोग लकी और हम भी, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि ये कितना हैवी स्नोफॉल इस वक्त हो रहा है, और वी हैव नेवर सीन बिफोर। इनफैक्ट आई एम श्योर अबाउट इट कि आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया होगा। और यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है कि रोड पूरे ब्लॉक हो चुके हैं उसको साफ़ करने के लिए। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर मैनेजमेंट की तरफ से ये गाड़ियाँ जो स्नो साफ़ करने का काम करती हैं, आपसे देख सकते हो कि इतनी ज़बरदस्त लाइक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी होगी कि रोड साफ़ करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, और पूरे तरीके से रोड को ब्लॉक किया हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, आगे का मंज़र बिल्कुल सफ़ेद है, फुल जैम है, और पता नहीं है कितने घंटों का यहाँ पर जाम लगा हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो हुई है, उसकी वजह से सारे रोड ब्लॉक हो चुके हैं। देखते हैं, होपफुली जल्दी यहाँ से निकलेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि कहाँ पर और कितनी खूबसूरत हसीन वादियाँ देखने को मिलेंगी।